प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मिश्रण 2023 के साथ साथ चुनावी साल भी प्रारंभ हो चुका है। इसी को देखते हुए सावेर विधानसभा से कांग्रेस का झंडा उठाने वाले कांग्रेस नेता विजय बंटी राठौर ने सावेर के प्रसिद्ध पाताल विजय उल्टे हनुमान मंदिर प्रांगण पर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले सुंदरकांड और भव्य खाटू श्याम भजन संध्या के साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। बाबा के दरबार से कांग्रेस नेता विजय बंटी राठौर ने विधानसभा से विधायक की दावेदारी का चुनावी शंखनाद किया। इस आयोजन के दौरान विधायक विशाल पटेल, जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव, भारत पटवारी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान बंटी राठौर ने सभी का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। भगवान को के चरणों में कैसे मनाया जाए और लोगों को जन्मदिन दिवस के दिन भी कैसे धर्म का लाभ दिया जाए, ये सीखना चाहिए आदरणीय हमारे विजय भैया राठौर जी से, जिन्होंने उनका जन्मदिन उनके हनुमान जी सावेर में आज मनाया और संपूर्ण भंडारा सावेर के लिए रखा। मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ जन्मदिवस की भी। ऐसे ही निरंतर वो कार्य करते रहे और जन सेवा करते रहे। कांग्रेस नेता बंटी राठौर की खास बात यह है कि सावेर विधानसभा के गांव-गांव और घर घर कार्यकर्ताओं के सुख दुख और धार्मिक आयोजन हो या मांगलिक आयोजन हो, हर जगह पहुंचते हैं। भले वह कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा, सभी को एक नजर से देखते हैं और सभी को साथ लेकर चलते हैं। देखा जाए तो सावेर विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत करने का जो काम विजय बंटी राठौर ने किया है, वह काबिलियत तारीफ है। को यहाँ पर मैंने आमंत्रित किया है भजन प्रसाद के लिए, तो भगवान से यही मैं दुआ करूँगा कि भैया मुझे भगवान यह स्मृति दे कि हमेशा मेरा जन्मदिन इसी रूप में मनाता रहूँ। जय श्री राम। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस नेता विजय बंटी राठौर ने अपना जन्मदिन भी सावेर विश्व प्रसिद्ध पाताल विजय उल्टे हनुमान मंदिर प्रांगण में भंडारे के दौरान मनाया। मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड और बाबा खाटू श्याम के भजनों का आयोजन और भंडारे की महाप्रसादी का आयोजन मध्य रात्रि तक निरंतर चलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एम्प न्यूज, सावेर।